आई एम बैक विथ माई शंकर जी का बम्बू. हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू राइट योर एग्जाम पेपर वेरी क्लियरली. प्रेजेंटेशन इज समथिंग इन विच आई वॉज वेरी वेरी गुड एंड मेनी अ टाइम्स वेन आई वुड कंपेयर माई पेपर विथ माई फ्रेंड्स, काफी बार उनके आंसर्स वुड बी बेटर दैन मी, बट बिकॉज आई वुड प्रेजेंट इट सो वेल आई वुड गेट मोर मार्क्स फॉर द आंसर दैट आई रोट. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ASAP एंड इन द एंड आई विल टेल यू मोर पॉइंट्स अबाउट व्हाई प्रेजेंटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट. लेट्स गो. First paper I want to guide you about is a theory paper. So anything that would come under say history or say law or any other theory. So one thing that is common in all these papers are margins, and margins are बहुत अलग अलग तरीके के बना सकते हो, जैसे one on the right, टू ऑन द लेफ्ट, बट ओनली वन आई प्रिफर्ड वॉज वन मार्जिन ऑन द लेफ्ट. तो आपके पेपर में बाय डिफॉल्ट इतना मार्जिन तो आता ही है. तो काफी स्मार्ट लोग क्या करते हैं कि इसके बाहर एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड देन यहाँ पे भी इतना लाइन ड्रॉ कर देते हैं. तो सिंस आपकी लिखने की जगह कम हो जाती है, नो यू आर एबल टू फिल मोर लाइंस, बट दैट्स रॉन्ग. टीचर्स कैन सी दैट एंड आपके मार्क्स जरूर कट होंगे अगर आपने ऐसी चीटिंग की. ये है आपका मार्जिन जो पहले से आएगा. जस्ट ड्रॉ वन मार्जिन इन साइड. That is all that you need. Even if there are sub questions, for example, question 1 का आपको A सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे question 1, यहाँ पे आप लिखोगे A, and then you can write answer number 1. That's how you should present your paper. Now, let's assume question A is short notes, and the first one is say economic reforms. तो हमेशा title देना. And then start writing your answer. In a theory answer, especially in something like a short note, always give a heading and an ending. So if this is economic reforms benefits, this one sentence works with everything. Point number one, economic reforms. So if a question is asking you to write about something, uske वो तो होने ही वाला है. लाइक इफ द क्वेश्चन इज सेइंग लिस्ट डाउन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेनिफिट्स, दैट मींस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डेफिनेटली हैव बेनिफिट्स. सो इसको एक पॉइंट बना दो. एंड द सेकंड पॉइंट कैन बी दीज आर लिस्टेड एज फॉलोज. सो आपको दो पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए. यूजुअली व्हेन आई यूज्ड टू राइट अ पेपर, एवरी पॉइंट यूज्ड टू कैरी अ मार्क. सो दैट्स हाउ आई वुड ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आई हैव टू राइट. देन आफ्टर यू हैव रिटन योर आंसर्स, लेट्स अज्यूम दीज आर ऑल द पॉइंट्स, ट्राई टू मेक अ डायग्राम. सो लेट्स अज्यूम देर आर फोर डिफरेंट पॉइंट्स. सो यू कैन राइट पॉइंट 1 हियर, 2, 3 एंड 4, एंड बीच में राइट किसके ऊपर था ये. पुट देम ऑल इन अ सर्कल, कनेक्ट देम ऑल एंड पुट दिस डायग्राम इन अ बॉक्स. यूजुअली ये टिप आपको कहीं नहीं मिलेगा. थ्योरी पेपर में डायग्राम कोई ड्रॉ नहीं करता, बट आई यूज टू डू दिस ऑल द टाइम. एंड देन माई फ्रेंड उत्सवी, हु यूज टू सिट नेक्स्ट टू मी ड्यूरिंग एग्जाम्स, सॉ माई पेपर वंस की हाउ आई आर ड्रॉइंग डायग्राम्स इन थ्योरी पेपर. एंड देन आई शेयर दिस विथ हर एंड अ लॉट ऑफ माई अदर फ्रेंड्स ऑल्सो देन स्टार्टेड यूजिंग दिस, एंड एवरी वन सॉ अ डिफरेंस इन देयर मार्क्स. दिस definitely helps you because when the teacher is checking your paper, she does not necessarily have to read your whole answer. In just one diagram, you are telling her what you already know. So you have made her work easier and she will definitely reward you for that. Some other important points to note in a theory paper is always leave a line between two points. Please leave a line. It makes the paper look 10 times better and it just makes everything look clearer. Let's assume question 1. Is fill in the blanks. I've just written any random sentence, and if your answer is history, make sure you underline this. Like in fill in the blanks, to always underline, because from the paper checker's point of view, if you do not underline,
they will have to read your whole sentence and trust me, that is very annoying. Agar aapne underline kar rakha hai, so they will just read that one word and they'll quickly go on marking you, which is better. And iska asar aage padta hai. Like fill in the blanks mein, you can't get extra marks. But in answers like answer in brief and short notes, you can get full marks. So wahan pe they will reward you for this. Then after every main question gets over, draw two lines to indicate ki haan pura question one yahan pe khatam ho jata hai. If there are sub questions, like if this was question 1A, fill in the blanks, and there's a question 1B, then just draw one line to signify ki acha iska ek aur part aa raha hai. Then you can write question 1B. Match the following. For match the following, what is supposed to do is जो आपकी बची हुई जगह है बाहर उसके लिए पेपर को हाफ में फोल्ड करना है. So you get the exact center point and you can draw a line there. Then draw a small margin here and draw a small margin here. Make a box for the heading and write serial number, column A, and then again serial number, column B. Then यहाँ पे आप क्या लिखोगे? Whatever is already given in the question. And here will be your answer. So apple is red in color, so maybe that's your answer. Then banana is yellow. And if yellow was option number D, तो आप इसके सामने लिखोगे D yellow. If इसका matching column is F, तो यहाँ पे you write F. So this is much better. Never ever do this and then draw lines. That's not what you do in your answer sheet. Answer sheet में ऐसे अच्छे से present करना रहता है. Also, one of the most important things is pay attention to the question numeral. Many a times in exam papers, कभी कभी ऐसे भी होता है question 1, कभी कभी Roman numeral भी होता है question number 1. And with my friends, this has happened कि उन्होंने पढ़ाने की कौन सा numeral था and exam sheet में वो ये वाला 1 लिख के आए जबकि Roman numeral था and उनको पूरे paper में 0 मिला. Because if your question number is only wrong, then they cannot give you marks for that. So make sure ki if you have to select ki write any one from A or B, aap sahi wala likh rahe ho ki question number 1, A, and here's the answer. So this is like the most important thing to pay attention to. I think this is all I would do for theory papers. Let's come to something like math. For math, there were two things I would have: algebra and geometry. For algebra, the only thing that I would always pay attention to was ki mere sare equal to signs ek dusre ke niche aa rahe hain. For example, if you had to solve a question like the value of 9 plus 7 the whole square, so here you will, how you will solve it is, iska answer is, write everything very very clearly. Then again the next equal to sign should be right below it. जो भी आपका final answer है, try to make the time to underline it. And whatever formula you're using, underline the formula as well. From what I remember, this is the only thing I would pay attention to in algebra. When it comes to geometry, diagrams are what is very very important. So agar aapne koi diagram banaya, jise maybe like an angular, maybe you had to bisect an angle. I'm using very basic examples so that this can help every single person. You can try to modify it according to your portion definitely. Suppose you had to bisect the angle. I don't have a protractor with me right now, but main freehand sirf aise yahan pe बना रही हूँ. Let's assume यहाँ पे intersect हुआ था. Angles में always arrows draw करना. Let's say if this was a 100 degree angle, तो यहाँ पे 50 लिखना. And this is how you bisect. But
अगर आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया एंड यू नीड टू ड्रॉ इट अगेन, देन मेक श्योर यू इरेजिंग दिस वन वेरी 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 प्रॉपरली, और एल्स जस्ट कैंसिल द होल थिंग एंड ड्रॉ न्यू वन. अगर आपका इसका जरा सा भी ट्रेसेस रह गया ना, एंड इफ द टीचर गेट्स कन्फ्यूज्ड, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके लिए. सो इधर यू हैव टू मेक श्योर दिस इज इरेज्ड डैम वेल, और जस्ट ड्रॉ न्यू वन डायरेक्टली. आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर अबाउट ज्योमेट्री. एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर. ट्राई नॉट टू इरेज एनीथिंग एंड ट्राई टू मेक इट लुक यू नो वेरी प्रिसाइज. द सेम थिंग वुड एक्चुअली बी अप्लाइड फॉर साइंस. साइंस में जो थ्योरी आंसर्स होते हैं दे विल बी एग्जैक्टली लाइक वॉट वी डिस्कस्ड इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, राइट इट पॉइंट वाइज इफ योर टीचर हैज आस्क्ड यू टू एंड लीव लाइंस. व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक एक्सपेरिमेंट्स, इफ यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन देन डोंट राइट इट इन स्मॉल जस्ट लाइक द अदर थिंग्स. वन बिग टिप इज अगर आप पूरा पेपर ऐसे लिखते हो तो जो भी हेडिंग में लिख रहे हो ना उसको सारा कैपिटल में लिखो, तो इट कैचेस सो मच अटेंशन दैट द टीचर विल नो कहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट एंड सो ऑन. एंड द सेम थिंग विद डायग्राम, प्रैक्टिस योर डायग्राम्स वेल सो दैट इन द एग्जाम यू आर नॉट सिटिंग टू थिंक कि अरे इसमें एग्जैक्टली क्या था. एंड डोंट ट्राई टू कलर इट इन इफ यू हैड एनी डायग्राम, मे बी इफ यू हैड अमीबा टू मेक, डोंट सिट एंड कलर दिस, इट लुक्स वेरी बैड, इट लुक्स वेरी शैबी. कीप एवरीथिंग फ्रॉम आउटलाइन टू आउटलाइन. एंड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश grammar and other language papers, objectives are your best friend, because in essay type questions and in reading comprehensions every time there's a long answer aapke marks kaate hi jaate hain. Another thing you can take care about is if you've written a sentence and if you need to cancel some one word out of it, don't do this, it looks horrible. अगर आप सिंपली ऐसे लिखोगे एंड इफ द होल पेज इज फिल्ड देन इट माइट नॉट इवन कैच समवन्स अटेंशन कि ओ देयर इज अ कैंसिलेशन. सो ऑलवेज जस्ट मेक वन स्ट्रोक एंड लीव इट, दैट्स द बेस्ट वे टू मेक कैंसिलेशंस एंड प्रेजेंट योर पेपर इन अ वेरी नाइस वे. This is all that I remember from my presentation. If I've missed any subject or if you want me to research on some subject and help you out with it, please let me know, because I'll be very, very happy to do it. So this is how I would exactly write my paper, very neat, very clean, and you know, leaving a lot of space and everything. So why is presentation super important is because if the invigilator will not understand what you've written, then they will not be able to give you marks only. So aap agar kam bhi likhoge but agar clearly likhoge to uske liye definitely zyada marks to milenge hi. The more pleasing it is to the eye, the happier the paper checker gets. It's like अगर आपको एक पास्ता दे दिया है और अगर उस पर एकदम मस्त से चीज ग्रेट करके ऑलिव्स डाल के एकदम अच्छे से प्रेजेंट करके दिया है, सो यू विल ऑफकोर्स लाइक टू ट्राई द वन विच हैज़ बेटर प्रेजेंटेशन फर्स्ट. इज द सेम विद एग्जाम पेपर्स, इफ द पर्सन checks your paper and if your paper is much better than the ones they've checked before, like look wise, तो वो खुश हो जाएंगे और आपको definitely ज़्यादा marks मिलेंगे उसके लिए. Take your time with underlining and everything, do it at the end of the paper, especially underlining when it's not very important. तो सारा paper लिख के हो जाए ना उसके बाद ही ऐसे beautiful तरीके से सजाना. Please don't give your paper early, अगर before time finish हो गया है ना तो take your time to make it look beautiful and then give it, and I am sure these tips will help you to score better marks. All the very best to everyone writing the exams. मुझे last video में काफ़ी लोग upset हो गए थे कि सिर्फ board exam वालों को all the best बोला, हमारे भी exam है. So all the best to every single person who is giving any sort of exam. If you enjoyed watching this video and if it was helpful in any way, then please do subscribe, because I love making these videos for you, and I'll see you in the next one. Until then, goodbye.